नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पंजाब एंड सिंध बैंक या फिर किसी भी बैंक का बैंक स्टेटमेंट को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दो तरीका जिसके मदद से आप अपना बैंक का स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो है वो आप अपना ईमेल आईडी के जरिए से अपना बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि आपने अपना ईमेल आईडी जो है बैंक में रजिस्टर करके रखा है तो वो केस में आपको क्या करना होगा, आपने जो भी ईमेल आईडी को रजिस्टर किया है अपने बैंक में उसे लॉगिन करना होगा, और अपने इनबॉक्स में जाने के बाद में आपको ऊपर सर्च करना होगा, बैंक स्टेटमेंट आपको सर्च करना होगा, ठीक है। आपका बैंक का नाम और स्टेटमेंट आपको टाइप करना होगा। जैसे आप टाइप करेंगे, सबसे ऊपर आपको बैंक का स्टेटमेंट का जितना भी फॉर्मेट है वो आपको शो करेगा। हर महीने जो है बैंक आपको ये स्टेटमेंट जो है भेजती है। तो यदि आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड तो आपको इस प्रकार से शो करेगा। आप सिंपली उस मेल को खोल लीजिएगा, आपको अटैचमेंट मिल जाएगा जिसे डाउनलोड करने के बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में आपका जितना भी महीने का ट्रांजेक्शन वगैरह है वो सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शो करेगा। तो दोस्तों, ये था सबसे पहला तरीका ईमेल के जरिए से आप अपना बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा तरीका हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा वे जो है वो है इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि नेट बैंकिंग। यदि आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली लॉगिन करना है, पासवर्ड और आपका जो भी आपका पासवर्ड और यूजर आईडी है वो भर के आपका बैंक का इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट के अंदर में ही आपको वहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा, और वहीं पे आपको कौन कौन से महीने का आपको स्टेटमेंट चाहिए वो सारा कुछ शो करेगा, आप वहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दो तरीका जिसके मदद से आप अपना बैंक का स्टेटमेंट को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना है। टिल देन, बाय बाय, सी यू।